सुप्रीम कोर्ट ने डिमोनेटाइजेशन के डिसीजन को अपहोल्ड किया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की रूलिंग से डिमोनेटाइजेशन को एक लॉफुल प्रोसेस बताया है। लेकिन हाँ, इस डिसीजन का डिमोनेटाइजेशन के सक्सेस या फेलियर से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ हमें ये बताता है कि डिमोनेटाइजेशन को लागू करने का प्रोसेस लीगल था और इस मैटर को लेकर RBI और गवर्नमेंट के बीच में 6 महीने से कंसिडरेशन चल रहा था और दोनों ने सारे रेलेवेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ये डिसीजन लिया था। और अगर आपको ये जानना है कि डिमोनेटाइजेशन एक सक्सेस था या फेलियर, तो हमने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जो कि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।